के बादशाह शाहरुख खान 2023 में पठान जैसे एक मेगा ब्लॉकबस्टर दे चुके थे, लेकिन पठान का रिकॉर्ड अब जवान बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से ध्वस्त कर रही है, क्योंकि फाइनली आज जवान फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज कर दिया गया है और जवान फिल्म से जितनी उम्मीदें थी उससे कहीं गुना बेहतर ये फिल्म निकल कर आई है। तो आज हम बात करने वाले हैं फिल्म जवान के पहले दिन के टोटल इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे कि फिल्म आज पहले दिन कितने करोड़ का कलेक्शन कर रही है। साथ ही साथ बात करने वाले हैं कि शाहरुख खान की फिल्म जवान और सुपरस्टार सनी देओल की फिल्म गदर 2 में से कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन ज्यादा कलेक्शन कर रही है और कौन बना बॉक्स ऑफिस का किंग। सबसे पहले अगर बात करें सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म जवान के बारे में, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसी साल 25 जनवरी को पठान फिल्म रिलीज हुई थी और पठान की एक बड़ी सफलता के बाद से ही ऑडियंस जवान फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रही थी और जैसे ही फिल्म रिलीज हुई इस फिल्म को भी ऑडियंस का इतना जबरदस्त रिस्पांस मिला, बल्कि कहा जाए कि पठान से भी दुगनी तिगनी रिस्पांस मिली। जी हाँ, बता दे कि पठान से भी डबल हिस्ट्री जवान फिल्म ने क्रिएट कर रही है। बता दे कि जवान फिल्म को इटली के डायरेक्शन में इतना जबरदस्त बनाया गया है कि जिसकी कोई तारीफ ही नहीं है। हालांकि फिल्म को बनाने में भी लगभग 300 करोड़ रुपए की भारी बजट का भी इस्तेमाल किया गया है। इस फिल्म में वीएफएक्स का भी जोरदार इस्तेमाल किया गया है। वही बैकग्राउंड म्यूजिक जो अनुराध ने दिया है वे तो वाकई में कमाल का है। इसके अलावा बताते चले कि ये फिल्म आपको थोड़ी भी बोरिंग नहीं करती है। जी हाँ, ऑडियंस की माने तो फिल्म आपको शुरू से लेकर अंत तक ऐसे बांधे रखती है कि कब फिल्म शुरू होती है और कब खत्म हो जाती है ये हमें पता भी नहीं चलता। और यही वजह है कि जो लोग थिएटर से बाहर निकलते हैं इस फिल्म की तारीफ करते नहीं थकते। बता दूं कि फिल्म पहले ही दिन एडवांस के जरिए ही लगभग बॉलीवुड के समझे तो सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया। जी हाँ, फिल्म ने पहले ही दिन ऑल ओवर इंडिया से लगभग 40 करोड़ रुपए तक की एडवांस कलेक्शन पहले ही दिन की है। जी हाँ, इस फिल्म ने बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का ओपनिंग डे का रिकॉर्ड केवल एडवांस के जरिए ही तोड़ दिया है। और अगर बात की जाए फिल्म के पहले दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर, इससे पहले बता दें कि इस फिल्म को हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में ऑल ओवर इंडिया में लगभग 6,500 से भी ज़्यादा स्क्रीन में रिलीज किया गया है, जिसमें केवल हिंदी वर्जन में ही फिल्म को लगभग 5,000 ज़्यादा स्क्रीन में लिया। तो वही ओवरसीज में इस फिल्म को लगभग 4,000 से भी ज़्यादा स्क्रीन में रिलीज किया गया है, जिससे ये फिल्म वर्ल्ड वाइड में जो है लगभग 10,500 से ज़्यादा स्क्रीन में चल रही है। और यही वजह है कि ये फिल्म पहले ही दिन इंडियन नेट कनेक्शन के मामले में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में भी बॉक्स ऑफिस पर बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पछाड़ते हुए दिखाई देगी। वैसे अगर बात की जाए फिल्म के पहले दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो बता दें कि ये फिल्म पहले ही दिन ऑल ओवर इंडिया से लगभग 75 करोड़ रुपए तक के कलेक्शन करती दिखाई दे रही है। जी हाँ, 75 करोड़ रुपए के कलेक्शन हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा से करती दिखाई दे रही है, जिसमें केवल हिंदी वर्जन का ही कलेक्शन लगभग 70 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल सकती है। वैसे अगर बात की जाए ओवरसीज की, तो बता दें कि ओवरसीज से भी फिल्म ने लगभग 15 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की एडवांस कलेक्शन कर रखी थी, जिससे अभी तक की मिली रिपोर्ट के माने तो ओवरसीज से यह फिल्म लगभग 40 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की कलेक्शन करती दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि ये फिल्म के पहले दिन की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है वे लगभग हमें 130 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल सकती है। और ऐसी कलेक्शन के साथ तो बता दें कि फिल्म ने पठान, जिसने लगभग 55 करोड़ रुपए से हिंदी वर्जन से ओपनिंग ली थी, उस मूवी का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। तो वही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में भी पठान ने लगभग 106 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ओपनिंग की थी, वे भी रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। बता दें कि फिल्म की वर्ड ऑफ माउथ जबरदस्त देखने को मिली, जिससे दूसरे, तीसरे और चौथे दिन जो यानी पहले तक जो फिल्म की कमाई में ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, और यही वजह है कि ये फिल्म पहले वीकेंड में ही अपना बजट रिकवर करते हुए एक मेगा ब्लॉकबस्टर मूवी साबित होने वाली है। अब अगर बात की जाए यहाँ पर बॉलीवुड के बब्बर शेर और एक्शन सुपरस्टार सनी देओल की फिल्म गदर 2 के बारे में, जिस फिल्म को 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और अब इस फिल्म
इसके बॉक्स ऑफिस पर 4 हफ्ते पूरे हो रहे हैं। आज ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 28वें दिन की रनिंग में थिएटर्स में लगी हुई है और अब भी बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस फिल्म को 4000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और इस फिल्म का क्लैश OMG 2 जैसी बड़ी फिल्मों के साथ हुआ था। इस फिल्म का बजट मात्र 60 से 65 करोड़ रुपए था। गदर 2 फिल्म का डायरेक्शन अनिल शर्मा ने किया था। इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। यही वजह है कि इस फिल्म बॉलीवुड में एक नया इतिहास रचा। इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन नेट कलेक्शन 40 करोड़ रुपए का किया, वही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 40 करोड़ रुपए का किया। वही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में इस फिल्म ने 58 करोड़ रुपए कमाए। वही इसी फिल्म ने पहले हफ्ते में 285 करोड़ रुपए का इंडियन नेट कलेक्शन किया और दूसरे हफ्ते में इस फिल्म ने 135 करोड़ रुपए और तीसरे हफ्ते में इस फिल्म ने 65 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो वही इस फिल्म ने अपने 3 ही हफ्तों में 500 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर लिया है और इसी के साथ ये फिल्म बॉलीवुड इतिहास की बिगेस्ट ओपनर और हाईएस्ट ग्रॉस फिल्म बन चुकी है। अब अगर बात की जाए इस फिल्म के 28वें दिन के कलेक्शन के, तो इस फिल्म ने आज अपने 28वें दिन 1,50,00,000 रुपए का कलेक्शन किया है। लेकिन आज बॉक्स ऑफिस पर फिल्म जवान को रिलीज कर दिया गया है, जिससे इस फिल्म को स्क्रीन बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। इस फिल्म की सभी स्क्रीन जवान फिल्मों को दे दी गई है। यही वजह है कि यह फिल्म आज मात्र 1,50,00,000 रुपए की कमाई करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ गदर 2 फिल्म का अब तक का टोटल कलेक्शन है 510 करोड़ रुपए का इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हो चुका होगा और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ने 670 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी है। और सुपरस्टार सनी देओल की यह फिल्म इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म अपने 4 ही हफ्तों में बन चुकी है। अब अगर सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म और गदर 2 फिल्म का कंपैरिजन किया जाए तो आपको बता दें कि सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म जवान बॉक्स ऑफिस पर गदर 2 से बड़ी ओपनिंग लेती दिखाई दे रही है। बता दें आपको कि जवान को ऑडियंस तरफ से आउटस्टैंडिंग रिस्पांस मिल रहा है और ऑडियंस को यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। यही वजह है कि यह फिल्म अपने लाइफ टाइम में कई सारे रिकॉर्ड बनाने वाली है। फिलहाल आपको इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म ज़्यादा पसंद आई है, हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी फिल्मों से रिलेटेड ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।